कैसे हो मेरे भाई, मेरा नाम है प्रकाश नारायण, आपका स्वागत है फिल्मी फैंस के एक और रिएक्शन वीडियो में। तो भाई हम लोग आज रिएक्ट करने वाले हैं स्वतंत्रता वीर सावरकर का ऑफिशियल टीजर 2023 रणदीप हुड्डा, इसमें देखने को मिलेंगे जो कि शहीद वीर सावरकर जी का रोल प्ले करने वाले हैं। और यह टीजर कल ही वीर सावरकर जी के जयंती पर आ चुका था, लेकिन किसी कारण से इसका रिकमेंडेशन मुझे नहीं आया, जिससे मुझे पता नहीं चला। और हमने कल वीर सावरकर जी के जयंती पर ही एक दूसरे टीजर का रिव्यू किया था जिसका नाम था द इंडिया हाउस। तो भाई मैं इस टीजर के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और भाई वीर सावरकर जी के बारे में मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि भाई उस समय के जो सत्ताधारी पक्ष थे उन्होंने उनके बारे में कुछ ज़्यादा लिखने नहीं दिया या उनके बारे में कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया। तो यही कारण है कि हिंदुस्तान के कई ऐसे लोग हैं जो कि उनके बारे में उतना डिटेल में नहीं जानते हैं। तो भाई अब उनके जीवनी पर फिल्म बन रही है, तो भाई उम्मीद करता हूँ कि अब हमें जानने को मिलेगा। तो चलिए बिना की देरी के इस टीजर पर रिएक्ट करते हैं। और उससे पहले मैं इस पर रिएक्ट करूँ आपसे एक ही अनुरोध है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि भाई जो मेरा ओपिनियन बनता है वो इस वीडियो के लास्ट में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 2 3। आजादी की लड़ाई रणदीप हुड्डा की आवाज में, पर ये लड़ाई सिर्फ कुछ ही लोगों ने लड़ी थी, बाकी सब तो सत्ता के भूखे थे। गांधी जी बुरे नहीं थे, लेकिन अगर वो अपनी अहिंसावादी सोच पर अड़े नहीं रहते तो भारत 35 साल पहले ही आजाद हो जाता। मूल्यवान तो सोने की लंका भी थी, लेकिन अगर बात किसी की स्वतंत्रता की हो तो रावण का राज हो या ब्रिटिश राज, दहन तो होके रहेगा। ये बात ओके, रणदीप हुड्डा। तो भाई जैसा कि टीजर खत्म हो चुका है, भाई टीजर मुझे काफी इंप्रेसिव लगा। और भाई रणदीप हुड्डा की बात करें तो भाई इन्होंने जो भी रोल को अपनाया है भाई एकदम वही लगे हैं। ये अपने आप को जिस तरह से रोल में ढालते हैं भाई, चाहे कोई भी रोल हो वो उसमें ढल जाते हैं, और वो रोल कह सकते हैं कि उनके लिए ही बना होता है, ऐसा मुझे लगता है। और इनकी एक्टिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त होती है और इसमें वो दिख रहे हैं, और साक्षात उनको देखकर लग रहा है कि वीर सावरकर जी ही हैं। हालांकि हम हिंदुस्तानियों को उनके बारे में उतना ज़्यादा बताया नहीं गया है, और इस टीजर में भी मेंशन किया गया है उनकी स्टोरी को क्यों नहीं बताया गया है। तो भाई अब फाइनली हम लोग को इनकी स्टोरी को देखने को मिलेगी। और इस टीजर में कई सारे इंप्रेसिव डायलॉग भी हैं, और एक डायलॉग है जिसमें से बोला जाता है कि गांधी जी बुरे नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो अहिंसा का रास्ता अपनाया था वो कहीं ना कहीं आज़ादी में विलम्ब के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। अगर वो हिंसा का रास्ता अपनाते तो कहीं ना कहीं हमें आज़ादी और पहले मिल जाती। तो इस तरह के डायलॉग इसमें बोले गए हैं। तो भाई ये आप पर छोड़ता हूँ कि कौन सही है कौन है गलत, और भाई सबकी अपनी अपनी राय है। और मैंने अपने वीडियो में हमेशा बोला है कि भाई हर व्यक्ति का अपनी अपनी राय होती है। तो भाई गांधी जी के सिद्धांत से प्रेरित या सावरकर के सिद्धांत से, वो सब आप पर मैं छोड़ता हूँ। रही बात मुझे इस टीजर की, तो भाई मुझे टीजर अच्छा लगा और इसका सिनेमेटोग्राफी अच्छा लग रहा है, और मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सावरकर जी के जीवन की उन अनछुए पहलुओं को जानने के लिए, जिसके लिए मुझे यह फिल्म देखनी होगी। तो आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो भाई आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और रिएक्शन रिव्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।